को चिंता नाही, मूल्य तो मिलतो ही रे। कोली को चिंता नाही, मूल्य तो मिलतो ही रे। ऐसो ये सुयोग सबको बारंबार वो, ऐसो ये सुयोग सबको बारंबार वो। सुनी के उदार वाके पिताजी उदारी, पिताजी उदारी। ये निज धारया को उत्तम विचार वो, ये निज धारया को उत्तम विचार वो। लियो तुरत संकल्प करी लीनी कछ दृढ़ फेंट, लियो तुरत संकल्प करी लीनी कछ दृढ़ फेंट। आज चढ़े सो भेंट में सो सब या की भेंट, आज चढ़े सो भेंट में सो सब या की भेंट। हाँ हरी खाते आयो भेंट में बौदन मोतिन हार, हरी खाते आयो भेंट में पीपा संत और सीता अपरंपार, पीपा संत और सीता। हाँ दियो सौंपी सबकाई बुलाई, लख गुजरी बहुत घबराई, दही की इतनी कीमत नाही, दही की इतनी कीमत नाही। करिए कछु तो विचार मन माई, करिए तो कछु विचार मन माई। लेऊ कछु मूल्य न संतन पाई, लेऊ कछु मूल्य न संतन पाई। आप लोगों ने चरित्र नहीं सुना होता तो केवल सुन करके इतना आनंद कैसे आता। जिन लोगों ने ध्यान से चरित्र सुना है वो पूरा उनका चरित्र ताजा हो रहा है। जैसे गौ माता खाकर जुगाली करती ना, ऐसे अब स्वाद लीजिए उसका। पीपा जी कहत मैंने कियो है संकल्प आज, जो भी कछु आवे सब याही पे न्योछारिये। आयो तेरे भागिये ते मोतिन को हार धन, राजी खुशी ले जाये संपत्ति तिहारिये। बोली तब गुजरी गुजारो भली भांति होए, संत धन लेके अपनी निष्ठा क्यों बिगाड़िए। आपने प्रसाद दियो मैं हूँ स्वीकार कियो, संत सेवा हेतु अब तो आप ही स्वीकारिए। दोनों दिशे अद्भुत त्याग है, दोनों दिशे अद्भुत त्याग है। गुजरी भी कम संत नहीं है, जीवन में सोना नहीं देखा था उस बिचारी ने, पर ये हीरे जवाहरात सोने का थाल मोहरे उसने छोड़ दी। और पीपा जी क्या कहना, दो दिश अद्भुत त्याग है, दो दिश अद्भुत भाव। ऐसे निश्चल हृदय दिशी हरि को होए झुकाव, ऐसे निश्चल हृदय दिशी हरि को होए झुकाव। दो सेवक सेव्य एक दूजे पे है बलिया, दो सेवक सेव्य एक दूजे पे है बलिया, दूजे पे है बलिया, दूजे पे है बलिया। पीपा संत पार, पीपा संत और सीता सहचर की गीता। अब ब्राह्मण को भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया, उसका चरित्र है। विप्र एक कीनो भंडारो, देवी जी को भक्त दुलारो, देवी जी को भक्त दुलारो। संत पीपा को न्यो त्यो जाए, संत पीपा को न्यो त्यो जाए। अमनिया पीपा जी मंगवाए, अमनिया पीपा जी मंगवाए। अमनिया जानते हो, बिना भोग लगे को अमनिया कहते।
दिए निज प्रभु को भोग लगाए, दिए निज प्रभु को भोग लगाए। छोड़ दोगी भोग माही उसी को दल इन जल छिड़कायो ताकि चीट को विस्तार भो, व्यंजन अपार आगे धरयो बेसुमार जितो, अर्पण होत भोग प्रभु को स्वीकार भो। देवी भई दुखी भोली रही मैं तो भूखी क्यों हूँ, क्योंकि हरि के प्रसाद पार्षदन को अधिकार भो। ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद कहा जाता है, ये कहना चाहिए भोग धराने के बाद वैष्णवों को, वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृहणन्तु वैष्णवाः। ये शास्त्र में लिखा है, शंकर जी की पूजा करने के बाद कहना चाहिए महादेव प्रसादान्नम सर्वे गृहणन्तु शाम्भवाः। उसी प्रकार से भगवान की पूजा करते समय कहनी चाहिए वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृहणन्तु वैष्णवाः। जहां कहीं वैष्णव ठाकुर जी को भोग धराता है ना, तो त्रिभुवन के वैष्णव सूक्ष्म रूप से वहां आ जाते हैं भगवान के अधरामृत प्रसाद पाने के लालच में। अब उनको आपने नहीं दिया प्रसाद तो वे दुखी होके चले जाते हैं। इसलिए हमारे महाराज जी कहते थे, पंडित जी भोग धराया, धरा दिया। बोले अब कह दो, दो बातें कहते थे। बोले या तो हनुमान जी को सेवा सौंप दो, हनुमान जी पूरे ब्रह्मांड में प्रसाद बांट के आओ, जो जो भगवत प्रसाद के अधिकारी है वो हनुमान जी तो मनोज मारुत तुल्य बेगम है, एक क्षण में ही सबको बांट देंगे। और नहीं तो वहां जितने वैष्णव उपस्थित हो सबसे कहो महाराज वासुदेव प्रसाद अन्नम सर्वे गृहणन्तु वैष्णवा। वैष्णव का अधिकार हो गया, हरि के प्रसाद पार्षदन को अधिकार हो। सुने जब बैन भरी आए द्विज नैन आती, सोच दिन रहन ही में उदित विचार हो। देव ही विष्णु प्रसाद में रहो न जब अधिकार, तब मोई कैसे कर सके बहु सागर ते पार। लई शरण श्री हरि की तजिके लोभ मोह मद मार, लई शरण श्री हरि की तजिके लोभ मोह मद मार, तजिके लोभ मोह मद मार, तजिके लोभ मोह मद मार। पीपा संत पार, पाशन और सीता सहचर की लीला अपरम। हाँ तेल ने एक गलियन में डोले, तेल ने एक गलियन में डोले, तेल लो पुनी पुनी बोले, तेल लो पुनी पुनी बोले। कहे पीपा जी बचन ललाम, कहे पीपा जी बचन ललाम, अरे कभी तो बोलो सीता राम, कभी तो बोलो सीता राम, राम बिन जीवन है बेकाम, राम बिन जीवन है बेकाम। तमक के बोली मैं तो सगवा सुहागिन हूँ, मोहु का प्रयोजन तुम्हारे सीता राम नाम सो। राम राम जपे जिनके मांग में सिंदूर नाही, अथवा जीव बिछड़ो तन प्राण धन धाम सो। मरे के पीछे लोग राम नाम सत्य है बोलते हैं। पीपा जी कहत बिना राम के न सरे काज, अभी ना तो कभी जप लीजियो आराम सो। राम तो है राम तरु कामना पूर्ण हार, काम पड़े सभी को के इंतजाम सो। जो ही तेलिन लौट के पहुंचे अपने द्वार, जल्द उतारो बोझ सिर पति ते कही पुकार, हमारे सिर पर से घड़ा उतारो। दौड़ो पति लगी चौखट द्वार पे, उठ्यो तासु कपार, दौड़ो पति लगी चौखट द्वार पे, उठ्यो तासु कपार। हाँ कपार, द्वार से ऊटो जाई कपार। पीपा संत और सीता सहचर की लीला अपरंपार, पीपा संत और सीता सहचर की लीला। गिरत प्राण कर गए पयाना, मर गया प्राण कर गए पयाना,
आना। अब तेलिन ने रोदन ठाना, तेलिन ने रोदन ठाना, अब राम राम करने लग गई। हाँ मच गई राम राम आए, मच गई राम राम आए, हाँ मच गई राम राम हाय हाय, मच गई राम राम हाय हाय, मच गई राम राम हाय हाय, मच गई राम राम हाय हाय। कयो को जानपुर समझाए, कयो को जानकार समझाए, गिरो पीपा के चरणन जाए, गिरो पीपा के चरणन जाए। बोली अभिमान में सुहाग को गुमान करी, भावे ना गोविंद को गुमान, सो भी संत सो संत ने सलाह दी, कल्याण की बताई राह, तू तो गई ऐठो अकड़ सीता कंत सो। अब हूँ जो कल्याण चहो, पीपा जी के पाए गहो, नाही तो लहो दंड भगवंत सो। जाय पद गही और पुकार रोए कही, नाथ दीजिए सुहाग निज करुणा अनंत सो। पीपाजू मुस्काए कहे, अब तो भई हो राम, अब के पति जीवित मिले, जाऊ लौट निज धाम। गई लौट घर जीवित पति लखी भयो उजियार, गई लौट घर जीवित पति लखी भयो उजियार, हाँ लखी भयो उजियार, पति लखी भयो उजियार। पीपा संत परम्पार, पीपा संत और सीता सहचर की लीला। हाँ तेली जगते भयो विरक्ता, तेली जगते भयो विरक्ता, तेलिन भई प्रभु पद अनुरक्ता, तेलिन भई प्रभु पद अनुरक्ता, भजन करती समेत परिवार, भजन करती समेत परिवार, मानती संत चरण आभार, मानती संत चरण आभार, होत निस दिन अगणित उपकार, होत निस दिन अगणित उपकार। आए कछु चोर खोली भैंस ले कुटी पे चले, पीपाजू कहतया की पड़िया हू ले जावो जी, पड़िया के बिना दूध देगी कैसे भैंस, और पड़िया हूँ तड़पेगी बिना भैंस, तरस खाओ जी। लख के उदारता सहिष्णुता चकित चोर, चरणन में गिरे कहे हमें अपनावो जी, दीक्षा शिक्षा दे के अब तो करो कृत कृत्य, हमें वैष्णव बनाए भौजी ते छुड़ावो जी। किए ग्रहण शिष्यत्वे साधु हो गए चोर, चमत्कार अगणित लखी मचो क्षेत्र में शोर। पीपा के संतप्त व्यक्ति को हो अवश्य सुधार, पीपा के संतप्त व्यक्ति को हो अवश्य सुधार, व्यक्ति को सुधार, व्यक्ति को अवश्य सुधार। पीपा संत भीड़ भाड़ते गुनि विक्षेपा, भीड़ भाड़ते सुनि विक्षेपा, आश्रम संपत्ति ते निर्लेपा, आश्रम संपत्ति ते निर्लेपा, गए दो जंगल में एकांत, गए दो जंगल में एकांत, बैठ प्रभु चिंतन करत प्रशांत, बैठ प्रभु चिंतन करत प्रशांत, इधर सब खोजत हैं विभ्रांत, इधर सब खोजत हैं, खोजत पूछत पूछत कछु संत जन आए तहां, आग्रह करत तब तो कुटी में पधारिए, आपके विराजे ते असंख्यन को हित होत, दुर्जन प्रपंचन को जीवन सुधारी। सुनि उठ चले तौलो आयो, कोई शिष्य लायो, गाड़ी भर गेहूं भेंट द्रव्य ये स्वीकारिये, मिले मग डाकू छीन लिए भरी गाड़ी अन्न, आए कौन हर्ष शोक गयो कौन भारिये। ले गाड़ी डाकू चले पहुंचे जब कछ दूर, पीपा लागे पुकारने ठहरो भाई शूर, द्रव्य और स्वीकारो रह गई गांठ हमार, द्रव्य और स्वीकारो मुहरे रह गई गांठ।
नाच हमार मोरे रही गई दाँत हमार मोरे रही गई दाँत हमार पीपा संत और चरिकीला अपरंपार पीपा संत और सीता सह चरिकी लीला डाकू परिचय पूछन लागे डाकू परिचय पूछन लागे नाम सुनत झट गिरते आगे नाम सुनत झट गिरते आगे हमारो क्षमा करिए अपराध हमारो क्षमा करिए अपराध नहीं है सूर पतित हम व्याध नहीं है सूर पतित हम व्याध करें अति घोर कुकर्म अगाध करें अति घोर कुकर्म अगाध नाम तो सुने थे किंतु दर्शन पाए आज दर्श परस को प्रभाव निहारे हैं अब लो जगन्य कर्म करी परिवार पोसे नार की पतित डकैत हत्यारे हैं आज ते सपतले के सुदृढ़ संकल्प के चोरी और डकैती कुकर्मन ते न्यारे हैं दीक्षा शिक्षा दे के अपने आचरण की चरण की शरण में लीजिए जैसे चाहे राखें हम तो सब विधि तिहारे हैं आत्मसमर्पण सत्य लखी दीक्षा शिक्षा दीन वैष्णवता प्रगटाए प्रभु जन्म कृता रथ कीन सब सब शरणागत उत्तम भक्त भे सहित सकल परिवार सब शरणागत उत्तम भक्त भे वैष्णव परिवार भक्त भे सहित सकल परिवार भक्त भे सहित सकल परिवार पीपा संत चरिकी लीला अपरंपार पीपा संत और सीता से चरिकी लीला आयो एक असमंजस भारी आयो एक असमंजस भारी पांच थोर उत्सव तैयारी पांच थोर उत्सव तैयारी निमंत्रण पाचन को मंजूर निमंत्रण पाचन को मंजूर परस्पर पांचों दूरम दूर परस्पर पांचों दूरम दूर सोच ही है रे चकना चूर सोच ही है रे चकना चूर समय तो है एक कैसे पांचों फोर जावे प्रभु आयो जब अवसर तो पांच रूप धारे हैं काऊ को है पतो नाही एक ही समय के माही बिना असमंजस पांचों उत्सव में पधारे हैं पांचों के आनंद भयो उत्सव महान ठयो पांचों के अध्यक्ष भय के उत्सव समारे हैं पांचों ठोर तन त्यागी चिता में दिवाई आग आज्ञा नहीं पहले पांचों ठोर तनु जारे हैं दैन सूचना सब चले कुटिया के ढिंग जाए देखें पांचों भक्त जन रहे राम गुण गाए वहां कीर्तन कर रहे थे पीपा जी निरखत आंखें फार एक टक पांचों रहे निहार निरखत आंखें फार एक टक पांचों रहे निहार एक टक पांचों रहे निहार पीपा संत चरिकी लीला अपरंपार पीपा संत और सीता सह चरिकी पीपा जी पांचों से बोले पीपा जी पांचों से बोले कैसे चकित निहारत डोले कैसे चकित निहारत डोले लख्यो कहा अचरज की कछु बात लख्यो कहा अचरज की कछु बात कहे तब पांचों ही सकुचात कहे तब पांचों ही सकुचात हमारे उत्सव कल की रात हमारे उत्सव कल की रात पांचों से स्वीकारे हमते उत्सव में पधारे ओ अध्यक्षता समारे तुम पांचों के नगर में समय रहो एक पे निभाए प्रू टेक या की चर्चा जोरदार है समस्त क्षेत्र भर में कौन को स्वीकारे और कौन को इनकारे सभी अपने से दिखाते एक संत की नजर में पांचों ठोर त्यागी देह या में ना संदेह कछु आए अब कीर्तन संहारी रहो घर में सिद्धन के इन चरित में कछु असंभव नाही प्रभु महिमा पग पग लखव संत चरित्रन माही भेजत प्रभु जग माही जाए करहु जीव
करहु जीव उदार जाए करहु जीव उदार पीपा संत लीला परम पार पीपा संत और सीता सहचर की लीला परम पार। समय पूर्ण हो रहा है, छंदात्मक काव्य पूर्ण नहीं है। जैसी भगवत इच्छा भगवत प्रेरणा से कुछ भाव जगे तो उनको निवेदन किया, उसमें कुछ समय लग गया। और सब पीपा जी का ही चरित्र है, गद्यात्मक रूप से भक्तमाल जी के माध्यम से आप सब सुन ही चुके हैं। फिर कभी अवसर होगा तो शेष कभी भगवान की इच्छा होगी तो उसको गवा लेंगे। अब यहीं इसको विराम करते हैं, भगवान नाम संकीर्तन करें। और आज यह कथा शत्र विश्राम की ओर है। पहले से कोई निश्चय नहीं था पीपा जी के चरित्र का। हमारे विचार से चरित्र संत का कोई हो तो उसमें अंतःसाक्ष के रूप में उनके चरित्र के उनकी वाणी जरूर कहीं न कहीं कही जानी चाहिए। पीपा जी की वाणी का गुरुग्रंथ साहब में पर्याप्त संग्रह किया गया है गुरुग्रंथ साहब में, क्योंकि नानक जी से पीपा जी की बड़ी भारी मित्रता थी। तो पीपा जी का बहुत वाणी भाग गुरुग्रंथ साहब में भी है, पद भी हैं, दोहे भी हैं। और भी पीपा जी की वाणी पूरी तो उपलब्ध नहीं, लेकिन कुछ अंश उपलब्ध है। और पीपा परिचय, तो पीपा जी के चरित्र को पहले से कहने की का विचार हो तो मूल आधार भक्तमाल ग्रंथ का लिया जाए, प्रसंग पारिजात को भी देखा जाए, श्री रामानंद दिग्विजय को भी देखा जाए, द्वादश महाभवत महाभागवताचार्य चरित्र को भी देखा जाए, और इसके बाद पीपा परिचय जिसको इतिहासकारों ने पीपा जी के चरित्र के संबंध में प्रामाणिक माना है, उस पीपा परिचय का भी आधार लिया जाए एवं पीपा जी के दोहे साखी और उनके पद उनकी वाणियां उनको भी कभी ऐसा अवसर हो उसका आश्रय लेकर के फिर पीपा जी का चरित्र हो तो बड़ा अद्भुत प्रेरणादायी चरित्र श्री पीपा जी का है। एक पीपा जी का पद है, राम तेरी भूखा भगति न होई, राम तेरी भूखा भगति न होई। इस पद में कहते हैं, आठ अवारे आठ सवारे आठ अवारे सोलह दै गोपाला, इतने में जो एक घटे तो ये ले थारी माला, राम तेरी भूखा भगति न होई। आठ रोटी सवेरे चाहिए, आठ रोटी दोपहर में चाहिए, आठ रोटी कम से कम ब्यारू में चाहिए, सोलह दे गोपाला, और इतने में जो एक घटे तो ये ले थारी माला, राम तेरी भूखा भगति न होई। सुनने में तो पद ऐसा लगता है, लेकिन आगे पद में पीपा जी कहते हैं कि हे प्रभु, कहीं ऐसा न हो कि ऐसी ही भक्ति हमको करनी पड़े, इसलिए हे प्रभु भक्ति अखंड मोहि दीजिए, ऐसी अखंड भक्ति दो कि हम जब आपके स्मरण में बैठें तो हमको प्यास न रह जाए, हमें भूख न रह जाए, हमें किसी वस्तु पदार्थ की प्राप्ति की अभिलाषा न रह जाए। एक नंबर बात है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये एक नंबर बात है। और दो नंबर बात है, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। ये एक नंबर बात नहीं है, ये दो नंबर है। निष्काम भक्त तो एक अन्न एक रोटी के क्या चले, अन्न का कण तक ठाकुर जी से नहीं मांगते, हे नाथ कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा करुणा आपका सतत स्मरण बना रहे यही चाहिए। श्री पीपा जी के चरणों में, सीता सहसरी जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम निवेदित करते हम लोग यही याचना करते हैं। बड़े बड़े कुटिल विषयी दुष्ट जीवों को आपने अपनी कृपा से पार उतारा, तो आप कृपा करके हम जैसे कुटिल विषयी जीवों को भी अपने चरित्र के माध्यम से कृपा करके पार उतारें, भगवत चरणारविंद में विमल अमल अनुराग प्रदान करें। पूज्य श्री भाई जी महाराज के चरणों में, पूज्य बाबा महाराज के चरणों में
श्री मैया जी के चरणों में, बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी की यह सेवा श्री युगल सरकार के चरणों में समर्पित करते हैं। जय जय श्री राधे। आज अभी सुमाल नमो नमो सुमाल नमो नमो सिंहतिष्मा जाके सुनक मातम न सत जा सत्संगति जगत कुसंगति सत्संगति भाग भाल भाग जगत को शिवा सरस जगत शिवा प्रगति जीवन रक्षित नमो नमो शिव सुमाल नमो नमो शिव सुमाल नमो नमो हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 परम पूज्य बाबू जी की जय संत भक्त वैष्णवम की जय।
सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया।